अभी तक कार्बन सही जा रही है। हाँ सर, मैंने पूछना था कि आप बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रहे हैं और पीछे से स्क्रीन भी, तो ये सिर्फ मेरे फोन में प्रॉब्लम है या सच में ऐसे ही है सबके साथ? नजर आ रहा। जी सर, एक ब्लर आना नहीं चाहिए। अभी भी स्क्रीन ब्लर है। जी सर, एक सेकंड अब स्क्रीन ब्लर है। सर अब ठीक हो गई है। एक सेकेंड। वेट करें, जरा अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करूँ। मेरा आई गेस कंप्यूटर पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। वेबसाइट
अभी भी ब्लर आ रहा है, जरा मुझे बताएं। हाँ अभी भी ब्लर आ रहा है। हेलो, हेलो, अभी भी ब्लर आ रहे हैं। ओके, नहीं सर, आप ठीक है? अभी चले जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ये रिकॉर्डिंग ऑन है, लाइव स्ट्रीम चल रहा है। ठीक है जी, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। आज हम क्लास हमारी आज होगी, मे भी कल हमारी क्लास जो है वो ना हो पाए, मे भी। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। बिकॉज इस वक्त एज ऑफ नाउ लाहौर में ना एक सॉफ्ट लॉकडाउन लगा हुआ है ड्यू टू अपना, एक मिनट लाइट ऑन कर लूँ। हाँ जी जनाब, आवाज आ रही है? अच्छा जी, एज ऑफ नाउ लाहौर में काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसपे लाइक तमाम ऑफिस वगैरह बंद हुए हुए हैं। तो कल का दिन हम वेट करेंगे, मतलब आज तो क्लास हुई है, आज तो है, कॉलेज आ गए हैं, क्लास करवा रहे हैं। कल को हम देखेंगे, एक दिन वेट करेंगे कि अगर हालात साजगार रहे, लाइक इतनी स्ट्रिक्टनेस ना हुई, फिर मैं सैटरडे की क्लास जो है वापस आपके ऑफिस में यहाँ अपने कमरे में बैठ के इसको करवा लूँगा। ठीक है, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? शेयर्स अकाउंटिंग पढ़े थे, और हमने देखा था राइट इशू, बोनस इशू वगैरह, ये देखे थे, ऐसे ही था ना? जरा आप लोगों ने अपना माइक ऑन करना है और मेरे सवालों का जवाब देना है। नेट एसेट्स क्या होते हैं बताएं पहले। हाँ नेट एसेट्स क्या होते हैं? सर, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या इक्विटी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या इक्विटी। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? एसेट्स आपके नेट एसेट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? सर बढ़ रहे हैं। सारे एग्री करते हैं? अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? नेट एसेट्स जो हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ऐसे ही है? अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तब भी हमारे क्या हो रहे हैं? इसका मतलब क्या है? हमारे नेट एसेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। नेट एसेट्स बढ़ने का मतलब क्या है? इक्विटी बढ़ रही है। जी सर, और नेट एसेट्स कम होने का मतलब क्या है? इक्विटी जो है वो कम हो रही है। ऐसे ही है? इन दोनों बातों से आप सारे एग्री करते हैं? कि नेट एसेट्स बढ़ने का मतलब है, कैश बढ़ने का मतलब है नेट एसेट्स बढ़ेंगे, इक्विटी इंक्रीज होगी। कैश कम होने का मतलब है नेट एसेट्स कम होंगे, इक्विटी कम होगी। इससे सारे एग्री करते हो आप लोग? ओके। अब जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट और राइट इशू, इनकी वजह से हमारे नेट एसेट्स जो हैं उसमें इजाफा हो रहा होता है, वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। क्यों? पैसे आएंगे।
शेयर इशू करेंगे, कैश आएगा, बिजनेस आएगा, बढ़ेगा, तो हमारा ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो रहा होता है। और जो बोनस है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। ये हमने कल यहाँ तक बात की थी, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। कल हमारा शेयर प्रीमियम तक हो गया था ना, हमारा कल शेयर प्रीमियम तक हो गया था ना। चलिए जी, अब हम देखते हैं शेयर इश्यू। एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के ऊपर जो हम शेयर इश्यू कर रहे होते हैं उसके बारे में हमने बात करनी है। मतलब क्या हुआ कि हमारी जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो है जी 10 रुपये। कंपनी नहीं है मार्केट में, बिजनेस की वो एंट्रेंस नहीं हुई, कस्टमर्स नहीं जानते, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज है, कंपनी अपना शेयर इशू कर देती है 7 रुपए का। अब ये जो फेस वैल्यू से कम कीमत के ऊपर होता है इसे हम क्या कहते हैं, शेयर इशू एट डिस्काउंट कह रहे होते हैं। ठीक है, हमने एक असूल पढ़ा था कल, वो असूल क्या था कि शेयर कैपिटल हमेशा किस वैल्यू से इंक्रीज होगा, जरा बताएंगे। फेस वैल्यू से सर। फेस वैल्यू से इंक्रीज होगा। ओके, एग्जांपल देते हैं, कंपनी ए इश्यूड 10,000 शेयर्स फॉर रुपीज 8, वेयर एज पार वैल्यू इज ₹10। हमने अब इसकी एंट्री पास करनी है, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे डेबिट, और आ जाएगा हमारा क्रेडिट। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक की, कितने शेयर से, 10,000 शेयर से, कितने का शेयर है, 8 रुपए का शेयर है, 8 × 10,000 कितने बनेंगे, 80,000। 80,000 से बैंक जो है वो तो हो गया डेबिट, शेयर कैपिटल किससे क्रेडिट होगा जरा बताएंगे आप लोग। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, वो हमेशा किससे होगा, फेस वैल्यू से होगा, पार वैल्यू से होगा। इतना आ जाएगा ये हमारा यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। अब अकाउंटिंग तो क्वेश्चन बैलेंस नहीं हो रही, क्रेडिट हमारा लाख के हो रहे हैं, ये 1,60 नहीं है, ये 1 लाख है, 0 है ये। क्रेडिट हमारे लाख के हो रहे हैं, डेबिट हमारे जो है वो 80,000 के हो रहे हैं, अब क्या किया जाए बताएं। तो सिंपल सी बात है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है डिस्काउंट। रिमेंबर, जब हम शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे होते हैं, जब भी हम शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे होते हैं, तो ये डिस्काउंट कभी भी डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हम नहीं कर रहे होते। ये डिस्काउंट हम कभी भी डायरेक्टली चार्ज नहीं करेंगे, अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद है उसको चार्ज कर देंगे, अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर देंगे, क्या होती है अगर डिस्कस करते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम चार्ज नहीं कर रहे होते। अगर शेयर प्रीमियम हमारे पास मौजूद है तो हम ये किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को डिस्काउंट जो है वो चार्ज कर देंगे। या हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग होगी, हम उस रिटेन्ड अर्निंग को क्या करेंगे, हम चार्ज कर रहे होंगे। तो ये एडजस्टमेंट जो है, ये एंट्री जो है वो हमारे पास हो रही होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिस्काउंट जो है
इसको चार्ज होगा, या तो शेयर प्रीमियम को चार्ज होगा, या तो ये रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिस्काउंट उसको चार्ज होगा शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग को। सिमिलरली, जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं, शेयर इशू करने के वक्त जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हम किसको चार्ज करेंगे? वो हम शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग को ही चार्ज कर रहे होंगे। ये चीज़ जो है, ये आपने याद रखनी। गॉट इट? समझ आती है? आगे चले। अब है हमारे पास राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, इसको जरा आपने समझना है। राइट इशू क्या है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हम उनको ही क्या कर रहे हैं, हम उनको ही जो न्यू शेयर्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको ही ये शेयर्स जो हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं। अब फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आज एक शेयर मिल रहा है 25 रुपए का। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहते हो कि यार हम तुम्हें ये शेयर ऑफर कर देंगे कितने का, 13 रुपीज का। या आप उन्हें कह दोगे मार्केट में 25 का एक है, हम तुम्हें क्या कर देंगे, 25 के दो दे देंगे। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, राइट इशू कहलाता है। राइट इशू क्या होता है जरा बताएं, राइट इशू क्या होता है बताएं जरा। सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर हम कोई शेयर्स दोबारा से इशू और करते ये हैं, मार्केट वैल्यू से थोड़ी सी कम कीमत पे हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर्स जो है वो दे रहे होते हैं। गॉट इट? ये क्लियर है आपको? अब ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए कैसे जाते हैं, इसको जरा देखना है। हमेशा जब ये कंपनी शेयर देती है ना, तो ये राइट इशू करने के जो कुछ तरीके हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। कंपनी कह देगी फॉर एग्जांपल, 10% जो है वो मैंने क्या कर दिया,
और आईटी इशू कर दिया, या कंपनी कह देगी 20% जो है वो मैंने क्या कर दिया, राइट इशू कर दिया, या कंपनी कह देगी 30% क्या किया मैंने, राइट इशू कर दिया। एक तो इस तरह से हमें गिवन किया जाता है। अगर ये तरीके कार है ना, तो रिमेम्बर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो एज अ राइट इशू के तौर के ऊपर दिए जा रहे हैं, कितने शेयर्स की तादाद जो है वो हमें क्या की जा रही है, एज अ राइट के तौर के ऊपर दी जा रही है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे डिटरमिन करेंगे ये नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, ये हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे, इस चीज को हमने देखना है, इस चीज को हमने समझना है। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल होगा, जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल होगा, आप उसके साथ ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट इशू आ जाएगा। वो कितना बनता है आप उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल होगा, उस एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के साथ आप ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको राइट इशू जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी कहती है जी उसका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है वो 2 मिलियन रुपीज का है। कितने का है? 2 मिलियन रुपीज का है, और कंपनी ने 20% राइट इशू दिया है। तो 2 मिलियन का 20% ले, क्या आएगा जवाब, जरा बताएं? 4 लाख। इसका मतलब 4 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं वो एज अ राइट दिए गए हैं। देखिए, ये वाली अमाउंट भी रुपीज में है, ये वाली अमाउंट भी रुपीज में है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी हमारा शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? तो अगर ये हमारे पास राइट इशू आया है, आप इसको अगर जो भी पार वैल्यू है उसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि जी आपको 40,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं। इज दैट क्लियर? सर, अगर पहले ही शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालें और फिर उस पर 20% राइट इशू कर दें तो भी अब चल मैं वही जाएगा। करने लगा, मैं वही करने लगा। अब जो आपने सवाल पूछा है ना, हम इसको देखते हैं। कहता है जी कंपनी ए हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 4 मिलियन, ठीक है, जो पार वैल्यू है शेयर्स की ₹10, ठीक है। अब कहता है जी ऑन 1 जुलाई 2024 कंपनी इश्यूड 25% राइट शेयर्स एट ₹17। फिर कंपनी ने 25% जो है वो राइट इशू दे दिया है, किसके ऊपर? ₹17 के ऊपर। ओके, फिर है जी हमारे पास 1 नवंबर 2024 कंपनी इश्यूड 5 लाख राइट शेयर्स एट
14 रुपीज। हमने यह करना है, इसकी जो जर्नल एंट्री है वो पास करनी है। सवाल समझ आया आप लोगों को कि व्हाट इज द क्वेश्चन? जी सर। अब देखिए, हमने निकालना है राइट इशू। अब इस सवाल पे जरा आते हैं हम। शेयर कैपिटल 4 मिलियन का मौजूद है, ये क्या है? शेयर कैपिटल अमाउंट रुपीस। उसने कहा कंपनी ने 25% शेयर जो है वो एज अ राइट इशू दे दी है 17 रुपए के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पे शेयर्स की क्या चाहिए तादाद? अगर मुझे यहाँ पे शेयर्स की तादाद पता चल जाए, मैं उसको इस 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे उसने मुझे क्या गिवन की है? उसने मुझे यहाँ पे एज इट इज तादाद ही गिवन कर दी है। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले हम चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 जुलाई 2024। कितने शेयर्स हैं हमें नहीं पता, हमें शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब शेयर्स निकालने का तरीका कार क्या होगा? देखें, इस डेट पे हमारा शेयर कैपिटल कितना था राइट इशू से पहले? 4 मिलियन। हमारे शेयर्स की पार वैल्यू क्या है? 10 रुपये। डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास बताएं? 4 लाख। तो 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। अब इस 4 लाख का हमने क्या दिया है? इस 4 लाख का हमने 25% जो है वो एज अ राइट इशू किया है। इस 4 लाख का 25% कितना बनेगा बताएं जरा, बताएं। तो 1 लाख सर। कितने शेयर्स दिए हैं हमने राइट के तौर के ऊपर? 1 लाख शेयर जो है वो हमने एज अ राइट इशू कर दिया। डन। अब हम इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास कर देते हैं। ओके, पहले आ जाएगा बैंक। बैंक होगा हमारे पास डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। किस वैल्यू पे राइट इशू हुआ है? 17 के साथ। तो 1 लाख × 17 कितना बनेगा ये? 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन से हम क्या करेंगे? बैंक जो है वो हमारा डेबिट हो रहा होगा। फिर आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किस अमाउंट से क्रेडिट होगा? हमेशा फेस वैल्यू से। वो किससे हो जाएगा? 1 मिलियन से हो जाएगा। और रिमेनिंग जो है वो किसको चला जाएगा? हमारा शेयर प्रीमियम को चला जाएगा 7 लाख रुपये। ये पॉइंट क्लियर है? समझ आई? शेयर कैपिटल से नंबर ऑफ शेयर निकाल के फिर हमने राइट इशू किया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर, जी आपने कहा था कि राइट इशू पार वैल्यू से कम पे होता है, तो ये प्रीमियम नहीं वैल्यू नहीं इशू हो सकता है? राइट इश्यू पार नहीं, आपने कंफ्यूज कर लिया। मार्केट वैल्यू से कम पे होता है, मार्केट पे, पार पे नहीं, मार्केट पे। मार्केट में अगर शेयर 25 रुपए का है तो 25 के 2 दे देगा, 12.5 का दे रहा है। अभी हमने यही डिस्कस की है। ये देखें मार्केट क्या थी, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में 25 रुपए का एक शेयर है और ये आपको 25 के 2 दे रहा है। इसका मतलब आपको 12.5 रुपए का एक शेयर दे रहा है, हालांकि उसकी प्राइस क्या है? पार वैल्यू 10 रुपये है। तो मार्केट से अमूमन सस्ते होते हैं, लेकिन फेस वैल्यू से फिर भी थोड़े ज्यादा ही होते हैं ये।
सर, ये एंट्री क्लियर है। यस सर। अब अगली एंट्री पास करें हम, यकम नवंबर 24 को। उसने हमें बता दिया कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 5 लाख। अब देखें यहां पर, अब उसने हमें नंबर ऑफ शेयर्स का बता दिया है ना, तो मेरे लिए कहानी आसान है। मुझे अब कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है किसी भी किस्म की। मेरे लिए कहानी क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल हो गई है। क्या करूंगा मैं, उसने मुझे 5 लाख शेयर्स का बताया हुआ है, मैंने क्या करना है, सिंपल सी जो है 5 लाख शेयर्स जो हैं वो पकड़ने हैं। बैंक आएगा ना पहले, 5 लाख इंटू 14 के हिसाब से तो बैंक हमारा डेबिट होना चाहिए। बताएं क्या आता है, 5 लाख शेयर दें 14 के हिसाब से क्या जवाब आएगा? 7 मिलियन। 7 मिलियन से हमारा क्या हो गया, बैंक डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल तो हमारा हमेशा फेस वैल्यू से ही होगा, वो कितनी बनेगी हमारे पास, 5 मिलियन। और रिमेनिंग कहाँ चला जाएगा हमारे पास, 2 मिलियन जो है वो शेयर प्रीमियम को चार्ज हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से इसकी एंट्री पास कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? जरा इसको देखें, ये सारे समझें, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये सब तो क्लियर है? जल्दी से इसको देखें, फिर मैं बताता हूँ। बताएं ये सवाल क्लियर है? जी सर, क्लियर है। एवरीवन, मैं जरा आप लोगों के ना फेलोज को मैसेज कर रहा हूँ, ताकि इनको लगे पता कि यार ये क्यों नहीं क्लास ले रहे। होता पता है क्या है, ये क्लासेस लेते नहीं है, यहाँ पे रेगुलर रहते नहीं है, बाद में फिर जब इनके लेक्चर्स पेंडिंग हो जाते हैं या सब कुछ भी हो जाता है, और फिर ये बाद में कहते हैं जी गलती तो आपकी थी, ये था वो था ऐसे था वैसे था। तो मैं अभी इन सबको जरा टेक्स्ट कर रहा हूँ, ताकि इनसे पूछो तो मसला क्या है, ये क्यों नहीं लेते क्लासेस। R1 या तो बहुत मुश्किल लग रही है या बहुत आसान लग रही है। चले मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ओपिनियन लेता हूँ, एज ऑफ नाउ मुश्किल लग रही है आपको R1? सर अभी तक तो सब नॉर्मल है, अभी तक डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। सर, जब आप पढ़ाते हैं तब तो आसान लगती है, ऐसा लगता भी है कि आता है। जब खुद क्वेश्चन करने लगते हैं तो, या फिर कोई पास पेपर होता है तो उसमें मेरी कैलकुलेशंस इतनी अजीब अजीब तरह की हो जाती हैं कि वो सॉल्यूशन से दूर दूर तक मैच नहीं करती। क्यों आप क्वेश्चन रीड कैसे करती हैं,
सबसे पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन को समझना एक बहुत बड़ी आर्ट है। अभी देखिए ना हमारे सर पास कितने, हमने जी हमने बोले सर जो बोले। पहले पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी वगैरह सारा प्री बैच में, उसमें सर आपने करवाया था ना, जो भी पास्ट पेपर वगैरह सारे करवाए थे वो तो समझ में आ गए थे, हम लोगों ने कर भी लिए थे। फिर मैंने एक और बुक से अपनी फ्रेंड से लेके उसमें 3 क्वेश्चंस थे वो ट्राई किए, तो वो तीनों बिल्कुल डिफरेंट थे, उनमें अजीब अजीब सी कैलकुलेशंस थी और वो फिर मुझसे नहीं हो सके। फिर सोल्यूशन देखा तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की थी। मैंने आपको सवाल करवाते हुए थोड़े से सवाल जो है बीच में छोड़ दिए थे कि ये अभी नहीं करने, ये हम कुछ चैप्टर करने के बाद जो है वो करेंगे, आपको याद है? तो जी सर याद है। वो माइट भी आपने वही चीज़ की हो। पॉसिबिलिटी है ना? जी सर दैट इज रीजन। जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। इस सबको मैंने मैसेज कर दिया है, अब ये अब नहीं आएंगे ना, फिर ये मुझे नहीं कह सकते, आपके पास आज की डेट भी है, सब कुछ है कि जी ये इनको हम पर्सनली मैसेज करके कह रहे हैं कि क्लास ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं होते। तो पता है एंड पे क्या होता है? एंड पे कहते हैं जी आपने सही नहीं पढ़ाया, आपके लेक्चर जो है वो टाइम पे नहीं हुए, आपका मसला था, ये था वो था, एट द एंड सारा कुछ ब्लेम मेरे पे डाल देते हैं और खुद जो है वो अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। और हालांकि अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो गालिबन हमारी मोर देन 50 की स्ट्रेंथ है, और आप प्रेजेंस की बात करें तो आज के दिन सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो बैठे हैं हमारी क्लास में। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ रियली लाइक कंसर्निंग है यार, के 98% आवाम जो है वो क्लास में नहीं ले रही, ये प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग नहीं ले रही, ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा वो है, अपना कंसर्निंग इशू लग रहा है मुझे। आप कितने पेपर दे रहे हैं वैसे ऑन एवरेज? 4 सर। ग्रुप ए पूरा? दैट्स जी सर गुड। तो कैसे स्टडी मैनेज हो रही है? सर क्या सवाल पूछा आपने, वो मेरी थोड़ी वॉइस कट हो गई थी। स्टडीज कैसे मैनेज हो रही हैं 4 की? सर बस ऐसे ही, यहाँ सुबह मेरी जॉब होती है, बस वहां से निकलती बैठती हूँ क्लासेस लेने के लिए तो रात हो जाती है। वो नहीं, 4 सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम कैसे मैनेज हो रहा है, वो जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन। नबील आप कितने चैप्टर पेपर दे सर रहे हो? कौन सर मैं 2 पेपर्स दे रहा हूँ अभी फिलहाल, कौन से? फार्मा एंड टैक्स। कैसे जा रहे हैं? दो अभी दो इतने बड़ा लाइक ये सेशन है आपका, 2 पेपर बस? सर जॉब के साथ साथ मैनेज करने के ओके तो लिए। ठीक है, तो साथ एक अदर लॉ वैसे ट्राई करना था, अगर लॉ मैनेज होता है तो वो भी दे दें, बिजनेस लॉ हो गया या कंपनी लॉ हो गया, वैसे छोटे पेपर हैं वो। सर अगर मैनेज हो जाएगा तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई। नहीं मैनेज तो करने पे होगा ना, आई गेस आपको एक दफा ट्राई करनी चाहिए। ओके सर विल कंसीडर
बस दो बचे रह गए, इनको जरा कर दूं फिर मैं आता हूँ वापस। आप कुछ नहीं आ गया मैसेज कि आप लोग क्लास नहीं ले रहे? सर सर ग्रुप में तो कोई भी मैसेज मुझे शो नहीं हो रहा। मैं पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ, ग्रुप पे नहीं कर रहा। हर एक के डीएम में गया हूँ ताकि थोड़े से तो ये रेगुलर हो। सर बाकी क्लासेस में वैसे मैंने नोट किया है अच्छे खासे से बच्चे आते हैं, बस FPR 1 में नहीं आते। शायद क्लास का टाइम उन्हें ज्यादा समय लगता है, इस वजह से ना आते हूँ। क्लास के टाइम में सिर्फ ज्यादा सुबह होती है ना क्लास 11:30 बजे, बाकी जो है वो आफ्टरनून में होती है या शाम में हो रही होती है क्लासेस। 11:30 पे ज्यादा ज्यादा सुबह किसने गया होती है? सर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो 11:30 सुबह ही होती है। ये अच्छा आर्गुमेंट था। आई एम इम्प्रेस विद दिस आर्गुमेंट के बहुत सुबह सुबह क्लास हो रही है। चलिए जी ये हो गया, आपको भी मैसेज आ गया होगा, ऑल द यू आर इन क्लास। जी सर आ गया। चलिए जी अब यहां पे ना एक चीज आपने लिखनी है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको हर तरह का सवाल जो है वो आपका हो जाएगा। देखें जब हम भी हमने राइट इशू जो है ना, जब हमने राइट इश्यूज की बात कर रहे हैं या जब हमने राइट इशू फाइंड आउट करने होते हैं कि कितने शेयर्स हैं कितने शेयर्स नहीं हैं, जब हमने उसकी बात करनी होती है तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास आएगा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, इसको डिवाइड करेंगे हम फेस वैल्यू से, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं जो राइट इशू किया जा रहा है उसकी परसेंटेज से, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ राइट इश्यूज। जब नंबर ऑफ राइट इश्यू आ गया मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं जो भी मेरे पास वैल्यू होगी, तो मैं क्या करूंगा अपना जो शेयर कैपिटल है उससे इंक्रीज कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाली एडजस्टमेंट में कि हमारे पास, देखें हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था, 4 मिलियन का था। हमारे पास फेस वैल्यू कितनी थी, 10। डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने आ गए थे, 4 लाख आ गए थे। फिर मैंने कितने परसेंट राइट इशू किया था, मैंने 25% जो है वो राइट इशू किया था, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स फ्राइडे कितने आ गए थे, 1 लाख। 1 लाख शेयर्स जो हैं वो मैंने एज अ राइट के तौर के ऊपर क्या दिए हैं, इशू किए हैं। ये समझ आती है? अब
राइट इशू यहाँ पर तो परसेंटेज में गिवन किया गया है, वो एक और तरीके से गिवन कर सकता है। वो कह सकता है कि जी आपने राइट इशू किया है 144 का, जस्ट गिव मी अ मिनट, 5 मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा आया, जाइएगा ना छोड़ के, सिर्फ 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ।
आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? सर। आवाज आ रही है? हेलो, जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा, राइट इशू में समटाइम्स वो कह देगा कि 144 राइट इशू की है, या कह देगा जी 245 राइट इशू की है, या कह देगा वो 347 राइट इशू की है, या वो कह देगा 4410 राइट इशू की है। अगर वो ऐसे गिवन कर दे तो इसका मतलब क्या है, ये समझना है। 144 का मतलब क्या है कि जिस बंदे के पास चार शेयर्स थे उसको एक राइट इशू दे रही है, एक शेयर एज राइट इशू दिया जा रहा है। जिसके पास पांच शेयर थे उसको दो दिए जा रहे हैं, जिसके पास सात थे उसको तीन दिए जा रहे हैं। तो ये इस तरह से वो बयान कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि अगर वो हमें ये 245 कहता है कि जो 245 एज अ राइट इशू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो चीज हमने डिटरमिन करनी है। सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग कैपिटल होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, आप वो पकड़ेंगे। 4 लाख है जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या 245, तो इसको आप 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। कितने बनते हैं जरा बताएं? कितने आएंगे? वन सिक्सटी थाउजेंड 60,000। 160,000 जो है वो हम लेके चल रहे होंगे। तो अगर उसने इस तरह की स्टेटमेंट गिवन की होती है, हम सब क्या करेंगे? सिंपल, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर होंगे एग्जिस्टिंग, उसको इस फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये समझ आती है बात? ये वाली बात समझ आती है? जी सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओहो, आगे हमारे पास जो है, अब वो लास्ट जो रह गया है, डेट इज बोनस इश्यू। कौन सा है? बोनस इश्यू। बोनस इश्यू क्या है? बेसिकली हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर हैं, हम उनको मजीद शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन वो हम इशू कर रहे हैं एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुफ्त में क्या कर रहे हैं वो, हम उनको बोनस जो है वो दे रहे होते हैं। अब जब हम ये बोनस इशू कर रहे होते हैं, इसको इशू करने के दो तरीकेकार हैं। नंबर वन, यहाँ तो हमने अगर इसको एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर देना है, मतलब डिविडेंड नहीं दिया तो अल्टरनेटिवली हम क्या दे देंगे? बोनस दे देंगे, या अदर देन डिविडेंड के तौर के ऊपर हम दे रहे होते हैं। अब जब भी बोनस इश्यू होगा ना, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? रिमेम्बर, आपने सिर्फ ये याद रखना है, देखिए बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो बैंक वगैरह में तो 1 रुपये की भी रकम नहीं आई। ऐसे ही है, बैंक में कुछ भी नहीं आया तो डेबिट क्या होगा?
हमें नहीं पता। लेकिन क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल हमेशा हमारा क्रेडिट होगा, और ये हमेशा जो भी फेस वैल्यू होगी उसी से क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। डेबिट किसे करेंगे? रिमेम्बर, अगर हमने बोनस इशू किए हैं और ये अदर देन डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड के तौर के ऊपर नहीं बल्कि डिविडेंड के अलावा इशू किए हैं, तो हम डेबिट करेंगे शेयर प्रीमियम को। अगर एज अ डिविडेंड दिए हैं तो हमने किसको डेबिट करना है? रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिजर्व जो हमने फंड्स मेंटेन किए हुए हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी कैश की मूवमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब ये बोनस इशू किया जाता है तो रिमेम्बर, इस बोनस इशू का इक्विटी के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ रहा होता, किसी भी किस्म का इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा होता। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? जी सर। अब इसको भी जो इश्यू करने के तरीके हैं वो हमारे वही हैं। कंपनी क्या देगी? 20% बोनस इश्यू दिए, 30% बोनस इश्यू दिए, या कह देगी जी 2 लाख शेयर्स जो हैं वो एज अ बोनस दे रही हैं, या कह देगी 2/5 जो है वो एज अ बोनस दे रही है। तो जिस तरह हमने राइट का पढ़ा है सेम उसी वे में कंपनी क्या करती है, इसका भी गिवन हमें कर रही होती है। तो सिंपल इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये है और ये है, अगर इन दोनों की अगर बात की जाए, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं वही कि जो मेरे पास शेयर कैपिटल मौजूद होगा उसको मैं डिवाइड करूंगा फेस वैल्यू के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी मौजूद थे। उस नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मैं ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास जो है वो बोनस शेयर्स आ जाएंगे कि इतनी तादाद बनती है मेरे बोनस शेयर। तो जिस तरह हमने यहाँ पर राइट इशू किया था उसी वे में क्या होगा, हमारा ये भी कैलकुलेट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? जी सर। इसमें कोई सवाल किसी का, किसी किस्म की कंफ्यूजन वगैरह है तो बताएं। ऑल क्लियर? तो हमारी शेयर्स की अकाउंटिंग जो है वो सारी यहाँ पे कंप्लीट होती है कि शेयर्स अगर इशू हो किस किस टाइप के होंगे और कैसे हम उसको लेके चल रहे होंगे। इतना रखते हैं, कल के लेक्चर, क्योंकि लाइफ का भी डाउट है कि ऑफिस हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ऑफिस खुलता भी है कि नहीं खुलता, तो कल के लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है ना मैं वो भी यूट्यूब पे आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, आप वो कंप्लीट कर लेना। कल आपको लिंक आ जाएगा कल के डे की, कल की तारीख में, कि ये रिकॉर्डिंग है इसको आप लोगों ने देख लेना है। कल के दिन असेस करके फिर हम देखेंगे कि सैटरडे को क्या हालत है। अगर सैटरडे को लाइक इतनी सख्ती ना हुई, जब इन्होंने बताया कि बड़ी सख्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर इतनी सख्ती ना हुई तो सैटरडे को फिर जो है हम लाइव क्लास जो है वो दोबारा कर लेंगे। ओके सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो इस वाले लेक्चर में से नहीं है, तो मैंने सोचा अभी पूछ लूं, क्योंकि बाद में फिर मुझे लाइव में आने का मौका नहीं मिलेगा।
तो सर मैं पूछ लूं क्वेश्चन वो वाला। हाँ जी पूछें। सर अगर इंटरिम कैश डिविडेंड हो और इंटरिम बोनस डिविडेंड हो सेम हाँ डेट पर, तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी में कौन सा वाला पहला प्रोसीजर करेंगे, मतलब सेम कौन सा डेट स्टेप है, पहले करेंगे? जी सर सेम डेट सेम। है, पहले जी बोनस फिर सर कैश। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो कल के लिए मैं आपको YouTube का लिंक भेज दूंगा। कल को हम डे को असेस करेंगे, अगर यहाँ पे आना पॉसिबल हुआ, हमें लगा पता कि यार नहीं इतने लाइक इतने सख्ती भी इंस्टीट्यूट्स पे नहीं की हुई, फिर सैटरडे को जो है वो मैं आपका लाइव क्लास करवा दूंगा। ओके ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, कोई मसला हुआ लेट मी नो। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट डे पे। अल्लाह हाफिज़।